दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल एनपी ग्रुप में। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी की जो भर्ती आई है कॉन्स्टेबल की उसके बारे में। तो दोस्तों जिसने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे जा कर के सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रेड कलर का बटन दिखा है आपको एक सब्सक्राइब का, तो यहाँ पे जाके आप दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जो भी मैं आपको नई वीडियो डालता हूँ, जो भी अपडेट आएगी मेरी, वो सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेल आइकन दिखेगा इस पर भी आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम बात करते हैं एसएससी के जो वैकेंसी। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2018, ठीक है दोस्तों। ये नई वैकेंसी आई है 2018 की। दोस्तों इससे और जानकारी ले लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, तो आइए नीचे चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 जुलाई 2018 को स्टार्टिंग डेट, यानी कि आज की डेट है 24 जुलाई है आज, और ये आज की डेट दे रखी है इसमें, और लास्ट डेट इसमें दे रखी है 24 अगस्त 2018, यानी कि एक महीने तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। एक महीने इसकी फॉर्म भरने की जो वैलिडिटी है एक महीने की है, एक महीने तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फीस पेमेंट की लास्ट डेट 28 अगस्त 2018, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की दोस्तों यहाँ पे देख आपने दिख रहा होगा अवेलेबल सुन, यानी कि अभी कोई डेट नहीं है और ना ही यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की कोई अभी डेट आई है, तो ये बाद में मिल जाएगी दोस्तों। सबसे पहले हमको फॉर्म भरना पड़ेगा, चलिए फॉर्म आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये का खर्चा है, यानी कि 100 रुपये का ड्राफ्ट है इसमें, तो 100 रुपये फीस भरी जाएगी। और एससी एसटी वालों के लिए कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो फीस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है फीमेल ऑल कैटेगरी, यानी कि कोई भी फीमेल कैटेगरी होगी उसके लिए भी कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, ठीक है। और दोस्तों चलते हैं नीचे आगे देखते हैं और क्या है इसमें। देखिए दोस्तों बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि इसमें एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एज लिमिट इसमें दे रखी है कि मिनिमम जो एज है वो 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज है वो 23 ईयर, यानी कि 18 से 23 ईयर के बंदे इसको भर सकते हैं। और इसमें ये दे रखा है कि पोस्ट कितनी है, यहाँ पे देखो दोस्तों ये दे रखा है पोस्ट हैं इसमें 54,953 पोस्ट हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं जीडी में एसएससी की, और देखते हैं दोस्तों नीचे क्या है इसमें। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पोस्टों के नाम दे रखे हैं और कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है पोस्ट, तो आपको पता ही कितनी थी, यहाँ पे दे रखा है जनरल की पोस्ट हैं 28,619, ओबीसी की पोस्ट हैं 11,966, एससी की पोस्ट हैं 3455 और एसटी की पोस्ट हैं 4913, यानी कि 4913 पोस्ट। तो दोस्तों ये टोटल पोस्ट होकर के 54,000 कुछ पोस्ट बनती है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद दोस्तों नीचे और देखते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है बीएसएफ में जो पोस्ट है, जो बीएसएफ की जो फोर्स की जो पोस्ट है वो 16,984 पोस्ट है, और उसमें भी मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 14,436 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 7,477 हैं, ओबीसी वालों के लिए 3,267 हैं, एससी वालों के लिए 2,351 हैं और एसटी वालों के लिए 1,341 हैं। इसमें भी दोस्तों अलग अलग हैं, और इसमें फीमेल के लिए दे रखा है दोस्तों 2,548 पोस्ट, ये फीमेल वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से पूरी जानकारी दे रखी है पोस्टों की। ये देखिए यहाँ पे सीआईएसएफ की दे रखी है 200 पोस्ट हैं टोटल, और उसके नीचे दे रखा है ये सीआरपीएफ के लिए टोटल 21,566 पोस्ट हैं, और यहाँ पे देखेंगे आप एसएससी के लिए है 8,546 पोस्ट हैं एसएससी वालों के लिए, और यहाँ पे और दे रखा देखिए आईटीबीपी की जो फोर्स है उसके लिए 4,126 पोस्ट दे रखी है इसमें। काफ़ी सारी पोस्ट हैं, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों ये आपको फॉर्म भरने के लिए।
उसके बाद दोस्तों यार नीचे देखते हैं और क्या है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे स्केल दे रखा है इसमें 21,700 और 69,100 पर मंथ का है। इसमें पे स्केल भी अच्छा खासा दे रखा है दोस्तों इसमें। और इसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो दोस्तों +2 मांगी है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हाइट जो है इसमें 1.70 दे रखी है मेल के लिए और फीमेल के लिए दे रखी है। यहाँ पे देखिए देखो 1.57 सेंटीमीटर ये फीमेल के लिए और मेल के लिए 1.70 सेंटीमीटर है। चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर का है और फुलाब 5 सेंटीमीटर का ऐसा फुलाब चाहिएगा, वो भी खाली मेल ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखी है रनिंग जो है 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में तय करनी है। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर की है, वो 8 मिनट 30 सेकंड में तय करनी है, ये लड़कियों के लिए है। आइए दोस्तों नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दे रखी है इसमें अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन की जो तिथि है वो आज ही की डेट थी, लेकिन ये अभी तक लिंक इन्होंने एक्टिवेट नहीं की है। एसएससी की कुछ साइड में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, इस वजह से आज इन्होंने एक्टिवेट नहीं की है। तो हो सकता है दोस्तों ये कल ही एक्टिवेट करें, इसको 25 जुलाई को एक्टिवेट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जा कर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को दोस्तों आप मेरे को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।